पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विद्युत पोल पर काम कर रहे कर्मचारी की हो गई मौत। पोल में अचानक करंट आने के कारण हुआ हादसा। सुल्तानपुर फीडर लाइन पर हो रहा था काम, विद्युत लाइन पर काम होते समय हुआ हादसा। विद्युत पोल पर काम कर रहे थे 3 युवक, करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक घायल हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। कुंदरकी के बेसोड़ बिजली घर के छोड़ा गया था करंट। ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे थे मजदूर। लाइन पर काम करते समय हुआ हादसा। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गोमतपुर का रहने वाला है मृतक। कुंदरकी थाना क्षेत्र के जेतपुर जेतवाड़ा मार्ग की है घटना। जाबिर कुंदरकी के पास जी 3 लोग चढ़े हुए थे खंभे पे जी, करंट आ गया जी, करंट लगते गिर गए 3, एक हाथ हाथ खत्म हो गया मेरा भाई। वो जो 2 लोग हैं वो 2 लोग अस्पताल में हैं। क्या चाहते हैं आप? वही सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। कौन कौन परिवार में हैं आपके? बहन भाई हैं बस हम। आपकी बहन भी कोई विकलांग? हाँ विकलांग थे, मेरी बहन बड़ी मुझसे। ये कुतुबपुर चौराहे पर ख़त्म हुआ है। ये पोल पर चढ़े हुए थे 3 लड़के, काम चल रहा था। 33 केवी की लाइन बन रही है वाली जी, हैसोड़ से जी जैतवाड़ा फिल्टर बन गया नया जी। SDO हैं RP सिंह जी, और ठेकेदार हैं भाई मोहम्मद वसीम, बिलारी के रहने वाले हैं। और ये लड़के जब चढ़ रहे थे उस पर चढ़ गए, अचानक करंट आया उसमें और वो गिर गए। 2 लोग नीचे, एक हाथों हाथ खत्म हो गया। बहुत गरीब परिवार से हैं वो, और 2 की ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। क्या चाहते हो आप? अब हम ये चाहते हैं कि गरीब बच्चे हैं, इनको कुछ ना कुछ मदद हो जाए सरकारी तरफ से। और क्या है, कौन ठेकेदार है? ठेकेदार ने कुछ पैसों को लेकर आश्वासन दिया? ठेकेदार आ रहे हैं अभी, उनसे बातचीत हो जाएगी। कितने बच्चे हैं इनके जो खत्म हुए? वो तो उसके बच्चे नहीं है सर, और बहन भाई हैं छोटे छोटे, और उनके वालिदैन जो है ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, बताया जा रहा है उनकी माँ भी कोई विकलांग है? हाँ बहन है। बहन है हाँ, माँ तो ख़त्म हो गई, बाप भी ख़त्म।